स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो बच्चे ज्वाइन होना चाहेंगे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट्स ओनली। वैसे आप लोगों ने प्रॉब्लम सेट थ्री बनाया है? इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग जहाँ पे एंड किए थे यहाँ तक, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो उनको शायद नहीं समझ में आया आया होगा जो भी क्वेश्चन, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर वन, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वन किससे किससे बन गया, और इसका कोई आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हो आप, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसको कोशिश करो बनाने के लिए, क्या होगा इसका आंसर, और आप लोग बताओ। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैनॉट बी, कौन सा लेंथ नहीं हो सकता है? तो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि दो, अगर सपोज दो हमारे पास 3 साइड्स हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना मेरे को ध्यान देना। अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं और हर एक साइड का लेंथ, इसका मान लो सपोज लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ सी है, ठीक है? सबको दिख रहा है? ये पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अब इसमें इसको एक कंडीशन फॉलो होता है यहाँ पे, क्या होता है कि ए प्लस बी का लेंथ जो होगा तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, अब क्लियर है आवाज? अब देखो, ये ए प्लस बी तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह बी प्लस सी क्या होगा, ए से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन पहले समझना, उसके बाद तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। और इसके बाद ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, और यहाँ पर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन किसको किसको याद है बताओ? ये कंडीशन सबको समझ में आया, ये जो मैंने लिखा है, ये ट्रायंगल का बेसिक है, ये आपका लाइफ टाइम यूज होगा, ठीक है? अब देखो, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर वन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो 5 + 1.5 तो वो क्या होगा, 6.5 ग्रेटर देन, ठीक है? ये तो पहला हो गया। फिर 5 और 3.7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8.7 ग्रेटर देन 1.5, ठीक है? इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो, इसको इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ जाओ। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है और कितना लेंथ है, मैं पहला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और बारी बारी से सिलेक्ट करके सारे ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा होगा सही में। मतलब यहाँ पे बोल दिया रहा है कि तीसरा साइड कौन सा नहीं होगा, यानी इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, तो वही गलत वाला हमको चूज करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे पहले पहला लेंथ 5 कर रहे हैं, उसके बाद 1.5 एंड 3.7, पहला कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, 5,
ध्यान देना, 5 एंड 1.5, और ऑप्शन वाला कौन सा चूज किए, ए ऑप्शन यानी 3.7। 3.7 मतलब मैं यहाँ पे आपको को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से कैसे चलते हैं। देखना है यहाँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहला करते हैं 5 प्लस 1.5, ठीक है, ग्रेटर देन 3.7, ये कंडीशन फॉलो हो गया, ये राइट कंडीशन है। चलो ये हमारा काम हो गया। अब दूसरा को लेते हैं, 1.5 और 3.7, 3.7 ग्रेटर देन किससे है, 5 से है? ये बताओ तो, ये वाला कंडीशन मैंने लिखा ये सही फॉलो कर रहा है, ये वाला देखो तो 1.5 प्लस 3.7। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं। सीक्वेंस में इसलिए जा रहे हैं कि आप लोगों को, देखो मैं टाइम दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझो लेकिन अच्छे से समझो, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। यहाँ तक किसको किसको क्लियर है, यहाँ तक, यहाँ तक बताओ। ओके, आपको पेशेंस रखना है कि ये मेरे को आता है, ऐसे नहीं, इसमें भी आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान देना। देखो यहाँ पे तो ये हमारा दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया। अब तीसरा कंडीशन, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, आपने पूछा, अच्छी बात है। तो आप इस यहाँ पे ध्यान दो, 8 नंबर क्वेश्चन पे भी आएंगे हम लोग। अब देखो, हमने ये कर लिया, दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया, अब कौन सा होगा, 5 प्लस 1 मिनट, 5 से ग्रेटर 5 प्लस 3.7, 3.7 ठीक है, ग्रेटर देन किससे है, 1.5, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसी तरह दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, सबको क्लियर है ना। मैं एकदम जीरो लेवल से जा रहा हूँ, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा उसको भी समझ में आएगा, इससे जीरो आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर 5 है 1.5 एंड 4.1, 5 इसका लेंथ देखो 5 और क्या है 1.5, 1.5 एंड 4.1, ठीक है। अब इसमें भी चेक करेंगे बारी बारी से, क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने चेक किया 5 प्लस 1.5, ये क्या है, ये इसका समेशन करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है सही है, बताओ आप लोग, जो मैं ये अभी लिख रहा हूँ ये आप लोग बताना, 4.1, ये बताओ ये इक्वेशन सही है, ये फॉलो कर रहा है कंडीशन को, आप लोग बताओ, जो मैं ग्रीन कलर में है, ये बताओ ये इक्वेशन फॉलो हुआ, जवाब दो आप लोग। ये सही कंडीशन है, बताओ, नो, क्यों नहीं सही कंडीशन है, क्यों नहीं सही कंडीशन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो साइड का समेशन करेंगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो देखो तो दो मैंने समेशन किया, 5 5 प्लस 1.5 कितना होगा बताओ तो, 6.5 ग्रेटर देन 4.1 है कि नहीं, बताओ ये 6.5 ग्रेटर देन 4.1 है या नहीं, आप लोग नो कैसे बोल रहे हो, कैसे आप लोग नो बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप, मैं जीरो से बताऊंगा आपको। देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी ट्रायंगल का लेंथ दिया हो, उसमें कोई भी दो ट्रायंगल का साइड का समेशन, ओके ओके मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो देखो पहले बेसिक समझना, बेसिक मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ एक ट्रायंगल है, सबको ट्रायंगल दिख रहा है,
सबको ट्रायंगल दिख रहा है, बताओ, सबको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है, सी। अब ए बी का लेंथ क्या है, मान लो सपोज, ये मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका है। इसका मान लो लेंथ, ए बी का लेंथ मैंने मान लिया ए है, स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए की जगह पे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक जनरल वैल्यू मान ले रहा हूँ, क्या होगा ए बी का लेंथ, ए, ए सी का लेंथ बी, बी, और बी सी का लेंथ सी, ठीक है ना। ये मैं मान लिया, ऐसे ही मान लिया। यहां तक किसी को दिक्कत है, या मैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही लेंथ दिया हो, ए बी सी क्या है, लेंथ है। मैंने उस दिन एक कंसेप्ट बताया था कि अगर कि ए ए प्लस सी दोनों का समेशन करोगे तो ये बड़ा होना चाहिए तीसरे से, तभी ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। इस कंडीशन के साथ साथ बी प्लस सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ये बताओ। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग ये बताओ। कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर बताऊंगा। ये जो बताओ, ये इक्वेशन किसको किसको नहीं समझ में आया, बताओ, ये इक्वेशन किसको किसको नहीं समझ में आया। तो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। देखो कोई बात नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जो बच्चे, एक बच्चे भी सीरियस हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो देखो, यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था, बारी बारीकी से मैंने बताया था। देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है, जिसका लेंथ है ए, जिसका लेंथ है मान लो सपोज ए बी, ए बी है 5, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर मान लो, बी सी है, बी सी है कितना, बी सी है आपका 2 सेंटीमीटर, और ए सी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैंने उस दिन बताया, ये मैं मान लो, ये जो मैं लिखा हूं इससे ट्रायंगल फॉर्म हो पाया कि नहीं, बताओ कोई। ये जो मैं लिखा हूं इससे ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा, ये जो मैं लिखा हूं इससे ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराया था, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मालूम नहीं क्यों। अब देखो, ए बी का लेंथ इसका देखो, तो ये लेंथ है 5 प्लस 2। एक हम एनालिटिकल मेथड से बना रहे हैं। देखो मैंने दो साइड का समेशन किया तीसरे से बड़ा हो, ये देखो देखो, ये पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन देखो तो 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 5, यानी इसी को मैं लिख रहा हूँ 3 3 ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कंडीशन फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो मैंने इक्वेशन अभी बताया था, देखो इस इक्वेशन में ये फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए एक साथ ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होना चाहिए ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए। लेकिन ये तो सेकेंड में, तो देखो तो कोई बोलेगा 3 बड़ा है 5 से, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। यहाँ पे देखो तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये नहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं एक एनालिटिकल मेथड बताने जा रहा हूँ। अब देखो, ये तो दूसरा में तो फेल हो गया, पहला में तो सही है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होना चाहिए।
ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होना चाहिए। अब देखो इसके बाद, हाँ तो जय यहाँ पे ध्यान है 5 लेस देन 3 है, लेकिन ये इक्वेशन बोल रहा है कि नहीं 3 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन ट्रायंगल को नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब तीसरा चेक करेंगे, तीसरा क्या है यहाँ पे, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 ग्रेटर देन 2। एक तुम एक मिनट, 5 प्लस 1 ग्रेटर देन, देखो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन कंडीशन तीनों एक साथ होना चाहिए, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये फेल खा गया। और फेल ये हो गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब इसी को हम मतलब प्रैक्टिकली मेथड से बना रहे हैं कि तुम ये बच्चे ये किसको किसको समझ में आया, ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने बताया अभी, किसको किसको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। क्या करो, घर पे हो तुम लोग, सारे बच्चे स्केल ले लेंगे, स्केल लो। देखो यहाँ पे स्केल लिया मैंने, और यहाँ पे कितना है आपका लेंथ, ए बी लेंथ 5 है, ठीक है, तो एक ए बी लेंथ 5 ले लो यहाँ पे, देखो ए बी लेंथ 5, 5 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया ए बी लेंथ। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक ए बी यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दो, यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसका नाम ए, ठीक है, और इसका नाम बी, ए बी, ठीक है। अब इस पे क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे, और इसके बाद कितना लेंथ है यहाँ पे ध्यान देना, AC का लेंथ 1 है और BC का लेंथ 2 है, तो पहले AC लेंथ खींचेंगे, AC लेंथ, लेकिन यहाँ पे देखो AC 1 खींचेंगे, और इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे करेंगे, और इसको टिल करेंगे, और यहाँ पे ये बनाने की कोशिश करें, ट्रायंगल ऐसे ही ना फॉर्म करते हैं, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ट्रायंगल ऐसे ही फॉर्म करते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं उनको सही से समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे वो समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसको मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, क्योंकि वन वन में हमारा ये लिया मैंने, और 2 सेंटीमीटर का बीसी लेंथ दिया हुआ है, और ये तो हमको एनालिटिकल मेथड से मालूम चल गया कि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब इसी को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि सही सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा तिल कर दिया, और यहाँ पे मैं आर्क खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आर्क, और ये दोनों आर्क यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्शन होता तब ना एक ट्रायंगल फॉर्म होता, ठीक है ना, तो ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब क्लियर है, बताओ अब क्लियर है, अब देखो ये कंडीशन, पहला कंडीशन मैंने, ठीक है देखो अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, आप 5 1.5 और 3.5 लेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, हमने वेरीफाई कर लिया। आप सेकेंड वाला कंडीशन फॉलो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 1.5 एंड 4.1, इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं एक न्यू, देखो एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसको क्वेश्चन को ध्यान देना, जो बच्चे मेरे क्लास में नहीं सीख पाएंगे वो दुनिया के कोई टीचर से नहीं सीख पाएंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे तभी कुछ होगा।
देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइव, यहाँ पे देखना, ये एक ट्रायंगल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, फाइव 1.5 एंड 4.1। तो मैं सपोज इसका लेंथ 5 दे दे रहा हूँ और इसका लेंथ 1.4 दे दे रहा हूँ, और सॉरी 1.5, ये इसका वो लेंथ दे, ध्यान देना एक मिनट, इसका लेंथ 5, 5 और 1.5, 1.5 और 4.1। ये बताओ ये कंडीशन सही है कि नहीं है, इस सही में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये तो मैं अपने मन से ट्रायंगल बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग वेरीफाई करके बताओ कि ये सही में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताओ आप लोग पेन और पेपर पे बनाने की कोशिश करो, और मैंने अभी बताया था दो दो साइड का समेशन करो और तीसरे से देखो बारा है कि नहीं है। सारे बच्चे जवाब दें तभी मैं समझ पाऊंगा कि किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। सारे बच्चे जवाब दें, मैत्रेय ही जवाब दे रही हैं, नो सर, ओके, ऋषि ने जवाब दिया है नो, ठीक है। और बताओ और बच्चे जवाब दें, अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ऋषि आपका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है, मतलब आपके पेरेंट्स का तो नाम ऋषि नहीं है, आप अपना नाम लिखो, तो आपका नाम ऋषि ही है ना। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो ऋषि का कहना है कि नहीं होगा और मैत्रेय का कहना है कि होगा, ठीक है। और बच्चे जवाब दें, और बच्चे जवाब दें, होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रायंगल बनाने के लिए सफिशियंट है या नहीं है, बताओ। ये मतलब ये ट्रायंगल एक्चुअली में रियल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है, बताओ आप लोग। और बच्चे कहाँ गए, जय आप बताइए, जय ने तो बोला है, जय बताइए आप ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं रियल केस में, आप वेरीफाई करके बताइए। दो साइन, ओके दिविजेश आप बताइए, दिविजेश आप बताइए, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, डिविजेस। ओके मैत्रेय ने तो सॉल्व करके भी भेज दिया, वेरी गुड, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और अच्छा ही करोगे। जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये आप कहाँ गया, डिविजेस आप बताइए, डिविजेस आप सुन पा रहे हो मेरे को, डिविजेस। ओके कोई बात नहीं, अब देखो इसमें जो बच्चे नहीं, ऋषि आप ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, दो साइड का पहले चुनाव करेंगे, पहले हम, मैं दो साइड ले रहा हूँ ठीक है, कोई भी ले लेता हूँ, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। तो देखो पहले ए बी साइड लिया, इस ए बी और प्लस बी सी, बी सी का लेंथ कितना है 4.1, 4.1 ग्रेटर देन 1.5, ये क्या ये सही है कंडीशन, ऋषि आप बताओ, ये जो मैं लिखा हूं ये सही है। ऋषि आप बताओ, यहाँ पे ध्यान दो, ओके ठीक है, ये पहला कंडीशन फॉलो हो गया,
अब देखो इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, इसको जानने की हम लोग किस कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन फॉलो हो गया हमारा, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बारी बारी से चेक करेंगे, मैंने ए बी और बी सी को ऐड करके देख लिया, तीसरे से बाहर आया। अब ए बी और ए सी को ऐड करेंगे, ठीक है, ए बी और ए सी को 5 + 1.5 > 4.1, ये कंडीशन फॉलो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 6.5 > 4.1। चलो हमारा सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो गया, सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो गया, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ तक किस समझ में आया, यानी सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो गया। अब मेरे को थर्ड कंडीशन चेक करना है, तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा देखना इधर। मैं इसको 5 + ये मैंने लिख दिया 4.1 + 1.5 1.5 1.1.5 > 5 है, बताओ। ये इसको ऐड करके मैं देख रहा हूँ, तो 4.1 + 1.5 5.6 > 5 > 5। चलो ये तीसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया, यानी ये 100% तय हो गया कि जैसे ही तीनों कंडीशन हमारा फॉलो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। सही समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, बोलो समझ में आया। ओके ठीक है, तो मैंने पहला ऑप्शन में भी चेक किया तो इससे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, दूसरा भी चेक किया इससे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, अब तीसरा चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा चेक करेंगे, जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो पेशेंस रखेंगे, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने तीसरा ऑप्शन चूज लेकर मैंने क्या किया, 5 1.5 एंड 3.8। तो मैं इसका लेंथ दे दे रहा हूँ, सपोज ये 5 है और आपका 1.5 1.5 एंड 3.8, ठीक है। तो ये कोई बताएगा ये सही में कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं, ये तो रियल में ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, कोई बताओ बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, तीनों कंडीशन फॉलो करना है। देखो इसमें जो बच्चे नहीं अभी भी समझ पा रहे हैं वो देखो, मैं सिलेबस के फेर में नहीं रहता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए, मेरा मोह तो रहता है कि आप लोग सही से सीख जाओ, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही से समझो, समझ पा रहे हो ना मेरी भावनाओं को। अब देखो इसमें 5.6, पहला कंडीशन हमारा सत्य है यानी फॉलो हो गया, यहाँ पे मेरा पहला कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरा कंडीशन, ये दोनों तो एक ही है मतलब। अब देखो मैं दूसरे कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो 1.5 + 3.8 3.8 3.8 > 5 > 5, इसका मतलब 1.5 + 3.8 कितना होता है, 5.3 5.3 > 5। चलो हमारा दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, यानी पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, ध्यान देना क्या लिखेंगे तीसरा कंडीशन में, कोई बता सकता है तीसरा कंडीशन कौन सा होगा, लिख के बताओ आप लोग, जो बच्चे जानते हैं वो लिख के बताओ तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन आप लिख के बताओ, तीसरा कंडीशन आप लोग लिख कर बताइए। ठीक है, इसे लिखो आप, लिखो, अच्छा जा रहे हो आप, लिखो, आप लिखने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में लिखो।
लिखो, मैं टाइम दे रहा हूँ, घबराना नहीं है, आप लोग लिखो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 1.5 वाला हो गया 1.5 + 3.8, इसका मतलब तीसरा कंडीशन होगा 5 + 3.8, 3.8 ठीक है, 3.8 ग्रेटर देन क्या होगा, 5 1.5। यानी क्या हो गया, 8.8। मैत्रेय आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ओके अब आप सही हो। ठीक है देखो, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गया, यानी इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मैंने ऑप्शन ए में भी देखा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बी में भी देखा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सी में भी हो रहा है देखा कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अब डी में देखेंगे, ठीक है, डी में देखेंगे। ओके देखो, डी में क्या देखेंगे, इसको उसको उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 1.5 लेंथ ले रहा हूं मैं, 5 देखो, 5 5 5 1.5 और क्या है, 3.4, 3.4, 3.4। अब देखो इसको यहाँ पे इसको कर लेना, और ये बताओ ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं, कोई बताओ, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, बताओ। सारे बच्चे जवाब दें, और ये जो मैं बारीकी से बता रहा हूँ ये अपने दोस्तों से पूछना, वो देखना सही में वो लोग नहीं बता पाएंगे, ये जो मैंने जो भी ये क्वेश्चन पूछा वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों से, आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत चलाते होंगे जो बच्चे, तो पूछने की को व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज करेंगे इसका सही मायने में, उनको पूछकर परेशान करेंगे कि ये क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर वो नहीं बना पाए तो आप उनको सॉल्यूशन बताओ कैसे मैंने बताया, आप अपने ढंग से करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, समझ पा रहे हो ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, अब रियल में ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम लोगों को मालूम चलेगा इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 5 + 1.5 ग्रेटर देन 3.4, ये सही है, ये इक्वेशन सही है मेरा। चलो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अब लेकिन मेरा कंडीशन है कि तीनों एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो मैं लिखता हूँ 5 + 3.4 ग्रेटर देन किससे होगा, 1.5। चलो वेरी गुड, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये आप लोग एडिशन करके देखना ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 6.5 होगा एक्चुअली में, 6.5 ग्रेटर देन 3.,, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, अब थर्ड कंडीशन चेक करूँ, थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा, थर्ड तो ही टर्निंग पॉइंट है, अब क्या है यहाँ पे, 3.4, 3.4 सॉरी 3.4, 3.4 + 1.5 ग्रेटर देन 5, ये है यानी 4.9 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन सही है, बताओ ये जो कंडीशन है सही है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा
ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। दो तो फॉलो हो रहा था लेकिन तीसरा पे रिजेक्ट हो गया, ये हमारा रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इस टाइप का कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप समझ में आया ऋषि मैत्रेय? आप लोगों को समझ में आया दिविजेश? बताओ आप लोग दिविजेश, आप मेरे को सुन पा रहे हो? दिविजेश दिविजेश, मेरे को सुन पा रहे हो आप दिविजेश? यानी वो ऑनलाइन अभी नहीं है इसका मतलब। ओके चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कोई मेरे को बता सकता है? मैंने बताया था कि अगर उस किसी साइड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बड़ा है तो वो मतलब कोई साइड बड़ा है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। अपोजिट एंगल जिसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला बताने की कोशिश करो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बताने की कोशिश करो क्या होगा ऑप्शन इसका। सबको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, 1 का 2, तो आप ये बताओ। बी। ओके, और बच्चे जवाब दें। ओके, ऋषि आपका भी आंसर बी। ओके अनुज, आप बताइए क्या होगा। अनुज आप गलत ही आंसर दो, लेकिन दो, हेजिटेशन नहीं रखो। बी। ओके जय, आप बताइए। ओके बी, और दिविजेश आप बताइए। दिविजेश, दिविजेश लग रहा है वो बंक कर गया है ऑनलाइन। ओके ऑप्शन सी इज ऑल्सो सेम। नो, ऑप्शन सी इज नॉट ऑल्सो सेम। एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है। देखो इसको समझते हैं, इसमें क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो एक रफ पेज में एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया पी क्यू आर, लो मैंने बना लिया। अगर कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब पी क्यू आर में क्या हो गया, यहाँ पे पी क्यू आर, अब एंगल आर इज ग्रेटर देन क्यू, यानी ये वाला एंगल है किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है। एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इतनी चीजें। ठीक है, तो आर के आ, 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 ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इधर आर के सामने वाला, यहाँ पे मान लो तुम देख रहे हो, ये आर वाला एंगल है और तुम यहाँ पे बैठे हो और यहाँ से देख रहे हो, तो इसके सामने वाला कौन सा है, ये पी क्यू, इधर देख रहे हो तो इसका कौन सा लेंथ है, पी क्यू, तो पी क्यू, पी क्यू उसके सामने वाला लिख दो, पी क्यू, पी क्यू क्या होगा इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब क्यू आर, क्यू के साइड में आ जाओ, किधर आ जाओ तुम, क्यू के साइड में आकर देखना शुरू करो। दिख ठीक है ना, क्यू के साइड में आकर देखना शुरू करोगे, इधर से कौन सा आपको लेंथ दिख रहा होगा, पी आर, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था उस दिन कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं,
अगर साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एंगल है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी आर। अब देखो ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। दिविजेश आप कहाँ थे थोड़ी देर पहले, आपको मैं उतना देर से बुला रहा था, आप कहाँ थे? इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, बंक कर रहे थे आप। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर टू समझ में आया सबको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। इसमें बताओ आपको कौन सा होगा, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, तो आप डिविजेस ध्यान रखो, क्लास जब हो रहा हो तो कोशिश करो अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री बनाइए डिविजेस, आप क्वेश्चन नंबर थ्री बनाइए। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर थ्री बनाए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बताने की बनाने बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री किसको किसको समझ में आया, ये पहले बताओ आपको, किसको किसको समझ में आया कि हाँ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए, टाइम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं तो बताऊंगा ही, तो उससे पहले आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ओके ओके ऋषि, हम बताएंगे इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। आप तो कम से कम आपने अपनी भावनाओं को तो व्यक्त किया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक टीचर को बहुत जानना जरूरी होता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है। ओके ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया है, 95 डिग्री दिया है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा। तो इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करते हैं, एक अप्रोक्स मतलब एक रफ पेज में बनाने की कोशिश करते हैं, लगभग लगभग। ठीक है, तो एंगल पी हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं बेस ले लेता हूँ और एक 95 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये मोटा मोटी मैं मान लिया। ठीक है, और ये आपका कितना है, इसका नाम दिया गया है पी, एंगल पी, एंगल पी। ठीक है, और ये आपका 95 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल टी 65 डिग्री है। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं एक यहाँ से इसको मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिलाने की कोशिश,
और इसको यहाँ तक मिला दिया। ये हमारा ट्रायंगल इस टाइप का होगा और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ टी, इसको नाम टी पी क्यू, ठीक है। ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होगा, समझ में आ रहा है सबको? हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब टी का भी एंगल दिया हुआ है 65, 65 यानी ये कितना है 65 डिग्री है। तो एंगल क्यू मेरे को बता सकता है कितना डिग्री होगा? कोई बताएगा एंगल क्यू कितने डिग्री होगा? कोई बताएगा मेरे को एंगल क्यू कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। ओके, सारे बच्चे जवाब दें एंगल क्यू कितना होगा, बताओ। मैं ट्रेन ने जो बोला वो सही है, बताओ। एंगल क्यू कितना होगा, 20 डिग्री होगा या नहीं होगा? ऋषि आप बताओ, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसमें एंगल क्यू कितना होगा? ऋषि बताइए आप। ओके, दिविजेश आप 20 बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 डिग्री। वेरी गुड, चलो यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसमें आपको एक कंडीशन बताना है जो मैं पूछूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? पी है, दिख रहा है? सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? पी है, पी है ना, पी है, पी दिख रहा है। पी से छोटा कौन सा है? पी से छोटा कौन सा है बताओ? टी। वेरी गुड, और टी से छोटा कौन सा है? क्यू। क्यू, अब बताओ पी के सामने खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे पी के सामने, और सामने देखो कौन सा है तुम्हारा, है टी क्यू। टी क्यू लेंथ है ना, तो टी क्यू, 1 मिनट, देखो यहाँ पे टी पी के सामने देख रहे हो तो कौन सा आपका साइड है? टी क्यू, दिख रहे, समझ रहे ना मैं जो बता रहा हूँ? समझ पा रहे हो आप लोग? पी के सामने वाला कौन सा लेंथ है? टी क्यू। अब टी के सामने खड़े जाओ, इधर आ जाओ, तो इसके सामने कौन सा है? टी क्यू, ग्रेटर देन तो रहेगा ही, टी क्यू, ठीक है। और क्यू के सामने अब खड़े हो जाओ, इधर क्यू के सामने को हो जाओगे खड़े, कौन सा दिखेगा आपको? टी पी, टी पी। देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, का एक लाइन में आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया, बताओ जो मैंने अभी चीजें बताई, किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? मैंने ये समझ में आया कि नहीं आया? दिविजेश ऋषि आप बताइए, दिविजेश ऋषि ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ऑप्शन से हम लोग मिलान करेंगे कौन सा होगा, टी टी क्यू, टी क्यू पी ग्रेटर देन पी क्यू, बताइए समझ में। अब इसको ऑप्शन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सही या नहीं है। टी क्यू, ओके, हमारा ऑप्शन टी क्यू, टी क्यू ग्रेटर देन टी पी, टी पी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? देखो ये बोल रहा है पी क्यू ग्रेटर देन पी टी, पी क्यू ग्रेटर देन टी पी, ओके, और टी क्यू, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि वो उल्टा रिवर्स है, समझ रहे हो ना? हमारा ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टी पी ग्रेटर देन टी पी नहीं, ये भी नहीं होगा, और पी क्यू लेस देन टी, पी क्यू लेस देन, देखो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी दिख रहा है, दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है ना सबको? तो इसको खोजना है, पहले ये हमने कर लिया, उसके बाद हमारा ऑप्शन बी से इतना दूर मैच खा रहा है, ठीक है ना, तो इतना दूर की बात हो रही है, ये हमारा मैच खा रहा है, समझ रहे हो ना? आपको, अब क्लियर है सबको, बताओ अब क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैत्रेय, आपने जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है इसको घर पे एक बार और ट्राई करना,
क्योंकि आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसको आप अपने घर पे जो भी पहले तो रिवीजन कर लेना, जितना मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हैं जितना है, और इसको बनाने की कोशिश करना। नहीं, उसके बाद आप ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों की मैं वीकनेस जानता हूं कि आप लोग क्वेश्चन बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आप बहुत वीक हो। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, ठीक है। तो सबसे पहले एक आइसोसेलस ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे एक रफ पेज में, ठीक है ना। तो और सपोज मैं मान लिया कि ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है, और इसको मैं इसको नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ ABC, ABC, और ऑप्शन में है AB बराबर AC, ठीक है। तो AB बराबर AC मैंने इंडिकेट कर दिया है। ये जो इंडिकेशन दिख रहा है, ये क्या है, मतलब इक्वल का ही साइन होता है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, समझ पा रहे हो ना। ये जो मैंने अभी सर्किल में ड्रॉ कर किया है, ये क्या है, इक्वल होने का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन से अभी तक मैंने जो है डाटा लिया है। अब ए सेगमेंट BD एंड सेगमेंट EC इज आर मेडियंस, ओके। BD एंड EC, ओके। तो B से मैं एक मीडियन लेता हूँ। मीडियन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक मीडियन ले लिया और यहाँ से एक और मीडियन ले लिया, ठीक है। ये हमारा मीडियन है, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और BD यहाँ पे, D यहाँ पे, D और ये E, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट किया, अब इस पे एनालिसिस करेंगे। पूछ क्या रहा है, सोच दैट BD बराबर EC, BD बराबर EC, BD बराबर EC, ओके। तो आपको इस फिगर से दिख रहा होगा, ध्यान देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, ये आप यस या नो में बताओ, ये दोनों एंगल सेम होगा या नहीं होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल में उसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि दो साइड सेम है। सोच दैट BD बराबर CE, BD बराबर C। अब देखो जैसे ही ये हमारा सेम हो गया, तो हमारा BD और EC आपको ये वाला भी एंगल सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल, ये और ये क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली दो हिस्सों में उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, BD बराबर CE, तो यहाँ से आपको लग रहा है ना कि BD बराबर CE होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं, रुक जाओ एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाना आप लोग। अब यहाँ पे देखना आप लोग, मैं बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ से हमारा दो एंगल कंग्रुएंट, हमारा दो यहाँ पे देखो, ये वाला मैं कलर जो कर रहा हूँ रेड कलर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है कि नहीं है, कैसे सिमिलर है, इसमें एंगल एंगल कॉमन है, और ये BC साइड है, देखो BC साइड भी कॉमन है और AD बराबर DC है, तो ये वाला साइड भी क्या है, कॉमन है, समझ में आया। तो इसमें कौन सा आपका सिमिलरिटी आएगा,
साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से हमारा ओके। नहीं प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। ओके 1 मिनट, सॉरी। ओके 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 अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। ओके देखो इसमें क्या है, अब फिर से समझना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल जो मैंने जो अभी आपको रेड कलर से डार्क किया, BEC पे देखना, BEC पे और इसके आगे BDC पे देखना, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। दिख रहा है आपको कंग्रुएंट है? कैसे कंग्रुएंट है ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला और ये एंगल है, साइड साइड सेम हो गया और ये बेस वाला साइड भी सेम हो गया। तो जैसे ही आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाला एंगल, एंगल क्या होगा सेम हो जाएगा। सबको समझ में आया? चलो ठीक है, तो आप आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा। होमवर्क आपका प्रॉब्लम सेट 3 रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7 है। ओके तो मैं अपलोड कर दूंगा इसी क्वेश्चंस को फिर से, आप लोग बनाना फिर से, क्योंकि आप लोगों का न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत कमजोर है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है तो आज का ओके। क्या पूछना चाह रहे हो सर अगेन? मैं नहीं समझ पाया, आप बोलो मैं बताऊंगा क्या पूछना चाह रहे हो आप। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर दूं, बता दूं इस क्वेश्चन को आपने पूरी कर लिया है ना मैत्रेय? आपने पूरा कर लिया है इसको? ओके तो मैं आपके लिए, या जो बच्चे इसको रियल में ही सही कर लिए हैं, तो मैं उनको एक प्रीवियस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी ईमानदारी से आप बना लेना, मैं आपको ओके। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये प्रैक्टिस सेट 1 मिनट, प्रैक्टिस सेट 2 का 2 क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करना। मैत्रेय समझ रहे हो आप? आप क्या करना, पहले बुक से इसको पढ़ने की कोशिश करना, ये वाला ये जो भी है 1 पेज का है, और कुछ प्रैक्टिस सेट 4.2 का 1-2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना, इसको करना, आप करना, नहीं आएगा तो इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चे जिनको लगता है कि प्रैक्टिस सेट 3 कर लिए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट 4.2 का ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये दोनों चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। समझ में आया सबको? ओके तो जिसको जो कन्वीनियंट होगा, जो 3 प्रैक्टिस से 3 बना लिए होंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे। जो बच्चे नहीं बना पाए होंगे वो प्रैक्टिस से 3 ही बनाएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस अगले क्लास में प्रैक्टिस से 3 ही डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोग उतना नहीं समझ पा रहे हो जितना मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाय।